हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित हाजिर हूँ एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी सेवा में एक बार फिर से पहले की तरह। और जो भाई बंधु अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप LKG UKG या फिर प्ले वे तो या फिर आप नर्सरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप जैसे बच्चों के लिए है, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि ई का जो स्केच है, ठीक है, वो आसान तरीके के साथ कैसे बच्चे बना सकते हैं। तो जानने के लिए और सीखने के लिए बने रहें, ठीक है। तो ये मेरे पास नटराज की छोटी सी सिंपल सी पेंसिल है, ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसका साइज कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका जो कम कीमती समय है उसको नष्ट ना करता हुआ यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, आप भी साथ में ही ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम बॉक्स बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी जो आगे पीछे वाली जो लाइन्स हैं, ठीक है, उनको मैं थोड़ा डार्क रखूँगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, उसको थोड़ा कम डार्क रखूँगा, ठीक है, नॉर्मल साइज रखूँगा ताकि ये करते समय ये रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर में एक लाइन देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो आप लाइन से देख रहे हैं इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने जो ये बॉक्स था उसने इंग्लिश लेटर ई की जो शेप है, ठीक है, वो ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, बाद में हम इसको डार्क करेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से, ठीक है। आप देख रहे हो कि ई बन चुकी है, इसको हमने बॉक्स से बनाया है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अब मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि दिखने में ये और खूबसूरत नजर आए, ठीक है। तो चलिए हम इसको डार्क करते हैं। और जहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि ये जो आप मार्कर देख रहे हो, ठीक है, इसको ज़्यादा आपने प्रेशराइज नहीं करना, नहीं तो जो कागज़ होता है, ठीक है ना, उसके बैक साइड कलर चला जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम आसान तरीके के साथ ई का जो स्केच है, ठीक है, वो बना सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो पेंसिल की जो लेंस हैं, ठीक है, वो हमें नज़र ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है, और आप आसानी के साथ ई का अब स्केच बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ फिर ये स्केच बनाकर आप अपने मैडम को दिखा सकते हैं, ठीक है, अपने टीचर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों को मुश्किल लग रहा था कि ई का हम ई कैसे लिखें या ई का स्केच कैसे बनाएं, तो आप वो बॉक्स के जरिए, ठीक है, आसान तरीके के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह नई नई ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखकर, ठीक है, सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे एक और मज़ेदार टॉपिक के बारे में। तो बाय बाय, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू उन लोगों का जो वीडियो वॉच कर रहे थे। बाय बाय।